मेंसुरेशन या मेंसेस के बारे में तो आप जानते होंगे बट ओवलेशन क्या होता है इसके बारे में कुछ कुछ पता होगा राइट सो लेट्स टॉक अबाउट ओविलेशन अगर आप नैचुरल कंसेप्शन के लिए ट्राई कर रहे हैं या आई की तरफ जा रहे हैं ये सब एक मेन टाइम फ्रेम ओविलेशन के अराउंड होता है इस ड्यूरेशन में वुमेन मोस्ट फर्टाइल होती है चलिए इसका कैलकुलेशन समझते हैं सो मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो साइकिल की लेंथ होती है वो होती है फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ योर पीरियड और जो नेक्स्ट पीरियड आता है उसकी जो फर्स्ट डे होता है उसको साइकिल लेंथ कहते हैं तो सपोज़ आपका नेक्स्ट पीरियड 28 डेज बाद आ जाता है तो उसको साइकिल लेंथ 28 डेज़ की कहेंगे अगर आपका पीरियड 35 डेज बाद आता है तो उसको 35 डेज ऑफ साइकिल लेंथ कहेंगे फर्स्ट डे ऑफ पीरियड से आपका एग डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है ओवलेशन कब होता है ओवलेशन पीरियड एक पर्टिकुलरली डिफाइंड है अगर आपकी साइकिल्स आर रेगुलर तो जो नेक्स्ट साइकिल आई है उससे 14 डेज प्रायर ओवलेशन होता है तो अगर आपकी साइकिल लेंथ 28 डेज़ की है तो आपका ओवलेशन फोटींथ डे ऑफ साइकिल होगा अगर आपकी साइकिल लेंथ 30 डेज की है तो आपका ओविशन सिक्सटीन डे ऑफ योर साइकिल होगा ओविलेशन के टाइम पर अगर स्पर्म एक्स तक पहुंच जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाता है एम्ब्रियो बन जाता है और ये एम्ब्रियो आपके यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है सपोज स्पर्म नहीं आता है और फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम श्रेड हो जाती है आफ्टर 14 डेज और आपको साइकिल आ जाता है